हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, जो कि अप्लाइड मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टॉपिक है। इससे पहले भी मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ वीडियो डाल चुका हूँ या फिर अप्लाइड मैकेनिक्स की कुछ वीडियो डाल चुका हूँ। उसको आप देखना चाहते हैं तो हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से, उसमें जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डायरेक्ट लिंक दिए। यहाँ पर टॉपिक लिखा है, उसके सामने एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करते हैं डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। लिंक पर आप जाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राइट साइड में देखेंगे, यहाँ राइट साइड में एक टॉपिक लिखा रहता है, जहां पर आई सेक्शन लिखा होगा वहां पर देखेंगे आप एक उल्टा एरो बना, उस उल्टे एरो पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, उसमें जाके आप देख सकते। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा लिखा है न्यूमेरिकल उसको मैं पढ़ता हूँ, उसको समझाता हूँ, उसके बाद सीधा मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसा लिखा हुआ है, एन आई सेक्शन हैज द फॉलोइंग डायमेंशन। एक आई सेक्शन है, उसका डायमेंशन दिया है, जैसे दिया बॉटम फ्लैंज 300 × 100। डायमेंशन की यूनिट क्या दी? एमएम यूनिट्स में, याद रखें। टॉप फ्लैंज दिया 150 × 50 mm, बेब दिया 300 × 50 mm, मतलब तीन पार्ट है आई सेक्शन में और तीनों की डायमेंशन दी। सबसे पहले हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करना है, निकालना है उसको। आई सेक्शन कैसा होता है और डायमेंशन के अकॉर्डिंग कैसा होता है, तो सबसे पहले सेक्शन में आते हैं। इस तरह का मैंने क्या किया, ये आई सेक्शन लगाया। अब इसकी सब फिर क्या करते हैं, इसकी डायमेंशन शो कराएंगे। ये आई सेक्शन होगा, डायमेंशन कैसे दिए देखो, तो फ्लैंज, फ्लैंज किसको बोलते हैं, इसको इसको क्या बोलते हैं, बेब। मैं हर एक न्यूमेरिकल बता चुका हूं, तो इससे अच्छा आप समझ में आएगा ये फ्लैंज होता है। अब बॉटम फ्लैंज, बॉटम फ्लैंज क्या होता है, नीचे वाला, नीचे वाला कितना दिया 300 × 100, कितना दिया 300 × 100। 100 क्या होगी इसमें देखेंगे तो थिकनेस ही होगी, क्योंकि कम डायमेंशन है तो हम जानते हैं क्या होगी, थिकनेस होगी। तो हम यहां लिख देंगे 100 mm। 300 क्या होगी, ये जो दिख रही है आपको विड्थ 300 mm होगी। इसके बाद है टॉप फ्लैंज, टॉप फ्लैंज कौन सा होता है, ये होता है। टॉप फ्लैंज की कितनी दी 150 × 50, 50 कम है तो क्या होगी, ए होगी थिकनेस इसकी। एक सौ पचास क्या होगी, विड्थ इसकी। इसी तरह बेब, बेब की बात करें तो 300 × 50, 300 × 50 मतलब 300 क्या होना चाहिए, ए होने चाहिए, और 50 क्या होना चाहिए, इसकी थिकनेस होनी चाहिए। तो हम इसको देते हैं यहां पर, दे इस पॉइंट से देना है, यहां पर दे देंगे हम 300 mm अपॉन कहां से, यहां तक की, क्योंकि वेब की बात कर रहा है। इसकी थिकनेस कितनी होगी, कितनी के बने 50, यहां लिख देंगे 50 mm। ये तो फ्रंट लाइन डायमेंशन दी जो कि न्यूमेरिकल में दी हुई है। अब इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का तरीका हम इसको देखते हैं सिमेट्री की तरह से। उसके बाद इसका फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हुआ देखेंगे। सिमेट्री हम देख रहे हैं, अगर दो एक्सेस होती है हम दोनों एक्सेस पे निकाल सकते हैं, एक्स एक्सेस पे या वाई एक्सेस पे। तो जो एक्स एक्सेस होती है वो कैसी होती है, इस साइड से होती है ऐसा, वाई एक्सेस होती है इस तरह की। तो हम देख रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो वाई एक्सेस, अगर हम इसको बीच से कट कर तो ये डिवाइड कैसे होगा, ऊपर कम होगा और नीचे ज्यादा होगा, क्योंकि नीचे का एरिया ज्यादा है ऊपर का एरिया कम है। इस तरह ये इक्वल डिवाइड नहीं होगा, ऊपर नीचे कैसा डिवाइड नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा अगर हम इसको इस तरह से काटते हैं एक्स एक्सेस पे तो। लेकिन अगर वाई एक्सेस पे काट रहे हैं, मतलब अगर हम इसको ऐसा कट कर दें, ये होती बाई एक्सिस, तो हम देख रहे हैं कि सेम पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा दोनों एरिया, इसकी कैसे इधर का एरिया भी इधर का एरिया भी बराबर होगा। तो इस तरह एक कैलकुलेशन लगाते हैं हम कि किस एक्सिस पे हमें सीजी निकालना चाहिए। तो हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे हमारा एरिया दोनों में बराबर डिवाइड नहीं होता, लेकिन बाई एक्सिस में अगर हम लेंगे इसको, तो दोनों भागों में बराबर डिवाइड हो जाता है।
मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इसको वाई एक्सिस पे हम सीजी निकालने में हमारा डायग्राम कैसा होगा, सिमेट्री होगा, मतलब एक जैसा होगा दोनों साइड। तो हम क्या करेंगे, बाई एक्सिस पे इस पे निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, बाई एक्सिस पे हम इसकी सीजी निकालेंगे। दूसरा दूसरा क्या करते हैं, इसमें रेफरेंस लाइन लेते हैं, क्या लेते हैं, रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन हम जो बॉटम लाइन होती है उसी पे लेंगे, इस लाइन को हम क्या करेंगे नीचे की ओर बढ़ा देंगे, इसको एक्स एक्सिस लाइन लेंगे, इधर की ओर क्या बढ़ाएंगे, इसी लाइन से ये हो जाएगी बाई, इसको हम ओ पॉइंट दे देंगे, दोनों का जो पॉइंट होता है एक दूसरे को कट करते हैं उसको वो दे दिया, ए एक्स एक्सिस और ये बाई एक्सिस। बाई एक्सिस को क्या मैंने माना, रेफरेंस लाइन मानेंगे, सॉरी हम ऊपर नीचे से ऊपर मतलब किस पे निकाल रहे हैं, बाई एक्सिस पे निकाल रहे हैं, क्योंकि बाई एक्सिस पे निकालेंगे तो रेफरेंस लाइन क्या होगी, ओ एक्स होगी, याद रखें ओ एक्स क्या होगी, इस तरह की जो ओ एक्स दिख रही है वो रेफरेंस लाइन होगी, क्योंकि हम बाई एक्सिस पे निकाल रहे हैं, नीचे से मतलब ऊपर की ओर चलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। अब जो फॉर्मूला लगेगा तो बाई बार लगेगा, क्या लगेगा, बाई बार। इसका जो फॉर्मूला बनता है तो क्या बनेगा, बाई बार, जितने भी पॉइंट जितने भी सेक्शन होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं तभी फॉर्मूला कंप्लीट होता है। तो हम क्या होता है, ऊपर से भी नंबरिंग दे सकते हैं, इसको नीचे से भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे देने का तरीका वो नीचे से देते हैं। तो ये जो सेक्शन दिख रहा है इसको मैंने वन मान लिया, तो ये जो सेक्शन दिख रहा है बीच वाला इसको मैंने टू मान लिया, और जो ऊपर वाला सेक्शन दिख रहा है इसको मैंने थ्री मान लिया। तो सबसे पहले वन टू थ्री को कैलकुलेट करें, तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए वन बाई वन प्लस ए टू बाई टू प्लस ए थ्री बाई थ्री अपॉन ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या बना, ए वन बाई वन प्लस यहां पर क्या प्लस ए टू बाई टू यहां पर भी क्या प्लस ए थ्री बाई थ्री अपॉन ए वन ए टू ए थ्री। अब इसमें क्या हो, अब किसकी निकालना है हम सीजी, रेक्टेंगुलर एरिया वन टू और थ्री, किसी एक रेक्टेंगुलर से समझते सीजी निकालते कैसे। तो मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं रेक्टेंगुलर, इस तरह का कुछ रेक्टेंगुलर है, इसकी सीजी निकालने की क्या करते हैं, हम दोनों डायग्राम्स को इस तरह मिला देते हैं। अब इसकी सीजी एक्ट कहां करती है, सेंटर पे दोनों के क्रॉस बिंदु पर। हम सीजी निकालते कैसे, अगर इसकी डायमेंशन क्या मान लू मैं, अगर माना मैंने इसकी डायमेंशन क्या है, ए एच है, क्या है, हाइट एच है, ए एल मान ली मैंने, तो यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, तो अगर ऊपर से देखें तो यहां तक की डिस्टेंस होगी एच वाई टू, मतलब सीजी क्या होगी रेक्टेंगुलर की एच वाई टू, और अगर एक्स एक्सिस पे निकालेंगे तो क्या होगी एल वाई टू, यहां तक। तो याद रखें बाई एक्सिस में निकालेंगे तो एच वाई टू, और एक्स एक्सिस में निकालेंगे तो एल वाई टू, तो यहां पर क्या निकालेंगे एच वाई टू, और इसका एरिया क्या होता है, एरिया निकालें तो हो जाए लेंथ सॉरी हाइट हो जाएगी इंटू एल, एच इंटू एल लेंथ इंटू विड्थ, या फिर देखेंगे ये डायमेंशन इस मल्टीप्लाई इसकी डायमेंशन, ये समझ में आया होगा। तो ए वन हम कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले से, बाई वन बाई वन बाई टू बाई थ्री किस निकालेंगे एच बाई टू से, ये तो हो गया एरिया, बाई क्या है डिस्टेंस है, कहां से डिस्टेंस ऑफ सीजी ऑफ रेक्टेंगुलर किसी भी रेक्टेंगुलर की, कहां से ओ एक्स से। अब वन बाई वन इसको कैलकुलेट करते, सबसे पहले हम क्या लेते हैं रेक्टेंगुलर वन, सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे एरिया, ए वन माना क्या माना मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल वन, ए वन का जो फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ है हाइट इंटू, तो हमारा जो देख रहे हैं इसका निकालना है हम इसका वन, तो क्या हो जाएगा 300 इंटू 100, 300 इंटू 100 यहां पर हो गया 300 इंटू 100। इसको जब कैलकुलेट किया जो मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो आएगा 1 2 3 4 30,000 mm स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे हम इसमें किसकी होती है बाई वन की, बाई वन बाई वन क्या होती है डिस्टेंस ऑफ सीजी, सीजी मतलब इसकी जो सीजी होगी जहां पर पूरा वेट एक्ट हो रहा होगा, मतलब किसी बॉडी का पूरा वेट वेट जिस पॉइंट पर एक्ट होता है उसे उस बॉडी की सीजी बोलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ सीजी ऑफ रेक्टेंगल वन किसके लिए, रेक्टेंगल वन के लिए फ्रॉम रेफरेंस लाइन कहां ओ एक्स,
ओ एक्स से इस रिएक्टर की जो सी जी होगी वो क्या होगी, एच वाई टू। ठीक है, तो हम यहां निकालते हैं वाई वन इजकल टू एच वाई टू, मतलब हंड्रेड वाई टू, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, वाई एक्सिस पे निकाला है ना, तो ओ एक्स मैंने रेफरेंस लाइन मान ली, तो यहां से यहां तक की एच वाई टू कितनी होगी, पचास एम एम। अब निकालते टू के लिए, टू के लिए निकालेंगे ए टू इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ टू के लिए एरिया निकालेंगे तो इसकी देखेंगे थिकनेस कितनी है, पचास एम एम, हाइट कितनी है 300 एम एम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा ए टू इक्वल टू 300 इंटू 50, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग आएगा 15,000 एम एम। अब हम क्या निकालना है, बाई टू, क्योंकि ए टू और बाई टू की जरूरत है, ए टू बाई टू निकालेंगे हमने जैसा अभी बता चुका हूं उसी तरह, ए टू बाई टू क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ रेक्टेंगुलर टू, क्या होगा डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ रेक्टेंगुलर, एक की जगह क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, फ्रॉम ओ एक्स, कहां से लेंगे ओ एक्स से ही लेंगे, लिख भी देता हूं मैं, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपके समझने के लिए याद रखें, डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ रेक्टेंगुलर टू फ्रॉम ओ एक्स इक्वल टू क्या कितनी होती है एच वाई टू, तो याद रखें रेक्टेंगुलर टू की क्या हो जाएगी, मतलब ये रेक्टेंगुलर है नीचे से ऊपर की हो जाएगी 300 बाई टू हो जाएगी, लेकिन कहां से ले रहा हूं रेफरेंस लाइन ओ एक्स, ओ एक्स क्या है यहां है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी एड होगी, याद रखें जैसे ऊपर से जाएंगे नीचे की डायमेंशन ऐड होती जाएगी, हम जिसकी सीजी निकालते हैं उसके बटे एच वाई टू करते हैं, बकाया सारी डायमेंशन जो नीचे से लेते हैं वो ऐड करते जाते हैं, तो हम कहां से ले रहे हैं ओ एक्स से रेफरेंस लाइन से, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ऐड होगी, फिर यहां से यहां तक की हम सीजी निकालें, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 100 बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 प्लस, ये इतनी यहां से यहां तक प्लस कर दी क्योंकि हमें निकालना टू की है, तो नीचे से जब ओ एक्स से ले रहे हैं तो नीचे वाली डायमेंशन भी ऐड होगी, तो यहां से यहां तक की डायमेंशन ऐड की प्लस इसकी सीजी जिसकी निकाल रहा है टू की सीजी क्या हो जाएगी 300 बाय टू, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 100 प्लस इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 150, अगर दोनों को ऐड कर दें तो ये आएगी लगभग 250 एम एम। अब फ्रेंड्स निकालते हैं रेक्टेंगुलर थर्ड के लिए, तो हम यहां पर क्या निकाल रखेंगे थर्ड के लिए ए थ्री, ए थ्री क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर थ्री, क्या होता है ए थ्री इक्वल टू, ए थ्री कौन सा ए है, क्या हो जाएगी 150 इंटू 50, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो जिस समथिंग आएगा जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो आएगा 7500 एम एम स्क्वायर। अब क्या निकालना है वाई थ्री, वाई थ्री क्या होता है डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ रेक्टेंगुलर टू, मतलब क्या हो जाएगी थ्री डिस्टेंस ऑफ सी जी, सी जी क्या होता है जो पूरा वेट एक्ट कर रहा है जिस पॉइंट पर, ऑफ रेक्टेंगुलर थर्ड फ्रॉम ओ एक्स, अब याद रखें कहां से ले रहा है ओ एक्स से, तो ओ एक्स कहां है ओ एक्स ए है, ओ एक्स निकालना किसकी इसकी है, तो हमें यहां से लेना, तो याद रखें पहले ए वाली डायमेंशन एड होगी फिर यहां से यहां तक की डायमेंशन एड होगी फिर जिसका मैं सीजी निकाल रहा हूं उसकी सीजी निकालेंगे, मतलब सीजी किसकी निकाल रहा है हम थर्ड की, फ्रेंड सीजी किसकी निकाल रहा है हम थर्ड की निकाल रहा है, तो हम इसको ऐड करेंगे प्लस फिर इसको ऐड करेंगे प्लस इसके बटे टू कर देंगे, तो हम यहां पर जो हम जो कैलकुलेशन करेंगे बाई थ्री इक्वल टू हो जाएगा 100 यहां से यहां तक की डिस्टेंस प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस 300 प्लस जिसकी सीजी निकाला, सीजी किसी निकाला थर्ड की सीजी क्या हो जाएगी 50 बाय, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे 100 300 कितना हो जाएगा 400 प्लस 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा
25 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 425, तो हो जाएगा यहाँ 425 mm, मतलब बाई थ्री कितना आएगा 425 mm। अब हमें ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करते तो क्या हो जाएगा मेरा बाई बार इजकल टू ए वन बाई वन, क्या है ए वन देखेंगे हमने क्या निकाला, इन टू बाई वन क्या निकाला 50 प्लस बाई टू क्या है एरिया 15000 इन टू क्या निकाला 250 बाई 2 प्लस ए थ्री क्या निकाला मैंने 7500 इन टू ये क्या निकाला हमने बाई थ्री 425 सबके बटे क्या हो जाएगा एरिया, एरिया क्या हो जाएगा 3000 प्लस 1530 सॉरी 30000 है 40 है फ्रेंड्स प्लस 7500। अब ऊपर वाला आप सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, तो इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 153 प्लस इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 375 प्लस इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3187500 अपॉन इन सबको अगर ऐड कर देंगे तो जो मेरा आएगा 5250। अब इसको अगर ऐड करके इसका डिवाइड कर दें डायरेक्ट, क्या करेंगे हम इसको ऐड करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे तो जो बाई वाला इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 160.7 mm। फ्रेंड्स इस तरह मैंने सीजी निकालना बताया, इसकी बहुत ही इजी होता है, आप प्रैक्टिस करेंगे या मेरे सारे वीडियो देख लेंगे तो आपको आसानी से निकालना है आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।